नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 10s vs Vivo Y12s 2021 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 10s में 6.75 इंच जबकि Vivo Y12s में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 10s से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 10s में 3.05 इंच जबकि Vivo Y12s में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 10s से कम है। बात करें थिकनेस की तो Hot 10s में 0.36 इंच जबकि Vivo Y12s में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 10s में 211 ग्राम जबकि Vivo Y12s में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Hot 10s में 20:5:9 जबकि Vivo Y12s में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 10s में 6.82 इंचेस जबकि Vivo Y12s में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 10s में 720x1640 और Vivo Y12s में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 10s में 83.23% जबकि Vivo Y12s में 81.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 10s में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y12s में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 10s में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y12s की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Hot 10s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo Y12s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 10s में Mali-G52MC2 जबकि Vivo Y12s में Adreno 505 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 10s में MediaTek Helio G85 और Vivo Y12s में Qualcomm Snapdragon 439 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 10s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Vivo Y12s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 10s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Vivo Y12s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Hot 10s में 6000mAh जबकि Vivo Y12s में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 10s में 4 कलर्स जबकि Vivo Y12s में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो हॉट 10s में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें वीवो Y12s की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8,500 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Infinix Hot 10s में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y12s 2021 की तो उसमें 7 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में Hot 10s आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Hot 10s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Vivo Y20i है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A15s है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।